तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन, आप देख रहे हो मेरा चैनल बिजनेस क्विक ग्रो। तो आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, अगर इस बिजनेस को आपने कर लिया तो डेली की डेली 2 से 3 हज़ार तक आप आराम से कमा सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस आइडिया है, इसको आप लो इन्वेस्टमेंट मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हो, डेली की डेली 2 से 3 हज़ार रुपये तक आप आराम से कमा सकते हैं। वो बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस। बाइक इंजन ऑयल जैसे मेरे राइट हैंड में आ रहा होगा, वो जो बाइकों में इंजन ऑयल पड़ता है उसका बिजनेस। तो वो आपको कहाँ से परचेस करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे मार्केट करना है, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा एक डिब्बे में, आपको पूरा बताऊंगा। वैसे आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे और आगे तक लोगों तक बिजनेस पहुँच सके। तो बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बाइक इंजन ऑयल की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मेरे राइट हैंड में इंडिया मार्ट का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, वहाँ आपको 70 रुपये से लेकर 75 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, लगभग 70 रुपये से लेकर 75 रुपये के अराउंड में आपको एक इंजन ऑयल मिल जाएगा। इसकी कीमत 75 रुपये होगी और वो 1 लीटर होगा, ठीक है। तो वो लोकल कंपनियों का होता है, बहुत सारी कंपनियाँ लोकल बनाती हैं, उसका मार्केट में मिलता है। अब वो बिकेगा कितने रुपये में, तो वो लगभग 300 से लेकर 350 रुपये तक का बिकेगा। वो कैसे बिकेगा उस बारे में आपको बता। सबसे पहले बाइक इंजन ऑयल की खरीदने की जरूरत पड़ने वाली है, तो बाइक इंजन ऑयल आप कहाँ से खरीदोगे। जैसे मेरे राइट हैंड में इंडिया मार्ट का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, आपको लगभग 70 रुपये से लेकर 75 रुपये में 1 लीटर इंजन ऑयल मिल जाएगा। इंडिया मार्ट पर आ रहा होगा, बहुत सारे सप्लायर हैं, मैं नीचे दे दूंगा आपके लिए स्क्रीनशॉट, आप बात से आकर ट्राई कर लेना, ठीक है। ऐसे इंडिया मार्ट का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, उसमें नाम भी आ रहा होगा कि कौन सा ट्रेडर या कौन सी मैन्युफैक्चरर कंपनी दे रही है आपके लिए 70 रुपये में 75 रुपये। ईजिली दिल्ली में बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं या लोकल इंजन ऑयल लगभग 70 से 75 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या, अगर मान लिया आपको 70 रुपये का भी एक मिल रहा है, तो आपने अगर 100 पीस ले लिए तो आपके 7 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आप थोड़ा कम ले लो, अगर 5 हज़ार रुपये में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कम ले लो। अब वो सेल कितने रुपये का हो, जो मार्केट में आप कितने रुपये में सेल कर सकते हो, जो MRP होती है तो लगभग 499-399 रुपये की MRP होती है। तो आपका प्रॉफिट उसमें, जैसे जैसे मान लिया आपको प्रॉफिट कैसे करना है, जैसे मान लिया आपने 70 रुपये का लिया, आप उसको जब सेल करोगे तो लगभग 350-400 रुपये में सेल हो जाएगा। 499 MRP होती है, किसी किसी की 399 MRP होती है। आप इसको लगभग 250 रुपये से लेके 300-350 रुपये तक में आप इसको आराम से सेल कर सकते हो। आप सेल कैसे करना है, जैसे मान लिया आप सीधे सीधे जाओगे कस्टमर के पास, कस्टमर लेने को तैयार होगा ही नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट का लोकल ब्रांड है तो कोई नहीं लेगा, कोई ब्रांडेड ब्रांड लेगा इस चक्कर से। तो आपको करना क्या, जितने भी मोटर पार्ट्स की दुकान है वहाँ पर अपना एक एक प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ, बहुत सारे सैंपल दो उनके लिए, 10-12 पीस सैंपल दो उनके लिए, एक रेट करो। जैसे मान लिया आप होलसेल में उनको देते हो तो होलसेल में वो लोग लगभग 200 रुपये का एक खरीदते हैं, आपका एक में प्रॉफिट हो गया 130 रुपये। अगर 200 रुपये में आप सेल करते हो तो अगर मान लिया वो 200 रुपये में आप उनको दोगे तो वो कितने रुपये में सेल करेंगे, आप उनको 200 में दोगे वो उसको 450-350 रुपये में सेल करेंगे, उसका भी लगभग 150-200 रुपये का प्रॉफिट उसका भी हो जाएगा और आपका भी लगभग 130-140 रुपये का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सीधे कस्टमर के पास नहीं जाना है, आपको सीधे बायर के पास जाना है, होलसेल शॉप के पास जाना है, होलसेलर के पास जाना है, रिटेलर के पास जाना है, और इतने भी मोटर मैकेनिक है सबके पास जाना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। जैसे मान लिया आप मेरा प्रोडक्ट चलाओ, आपके लिए बहुत सारे ऑफर निकाल सकते हो आप, जैसे मान लिया इतने पीस के साथ इतना पीस खरीदोगे, या बहुत सारी स्कीम, जैसे एक कुर्सी या मेज, बहुत सारी चीज़ें आप इंजन ऑयल के साथ खरीदोगे तो उनके लिए क्या होगा, जैसे उनके लिए एक टारगेट मिल जाएगा कि मेरे को 10 पीस सेल करने पर एक कुर्सी मिलेगी, एक मेज मिलेगी, तो उनके लिए भी टारगेट मिल जाएगा, उस हिसाब से उसको भी वो सेल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करोगे तो इस हिसाब से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, बहुत कम लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मार्केट करने में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे राइट हैंड में एक बुक आ रहा होगा दुनिया का महान सेलमैन, आप इसको खरीद सकते हो, मात्र 125 रुपये की बुक है, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा इसमें कि बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आके आप इसको खरीद सकते हो। अगर मान लिया आपने 70 रुपये का लिया, आप इसको 200 रुपये में सेल कर दो, होलसेल में आपने 200 रुपये में सेल किया तो आपको 130 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने इजीली 10 से 12 भी अगर डेली सेल कर दिया, आप अगर गांव में नहीं, अगर मान लिया आप इसमें रहते हो, तहसील वगैरह में रहते हो, तो लगभग बहुत सारी दुकानों की मोटर मैकेनिक की लगभग 10 से 20 पीस तक तो डेली सेल हो जाएगी। अगर 10 पीस भी अगर आपने डेली सेल कर दिया तो लगभग 1300 रुपये का आपका प्रॉफिट जाता है 10 पीस में, तो लगभग 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आप पर डे कमा सकते हो इस बिजनेस से। बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया, बहुत कम लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं।
अगर प्रोडक्ट लेने में अगर कोई दिक्कत आए, नेम आर्ट में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही हो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और बहुत सारे लोग कमेंट आता, बहुत सारे लोग नंबर छोड़ देते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, नंबर मत छोड़ा करो क्योंकि नंबर मेरे पास नहीं पहुँचता है। यूट्यूब की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, वो नंबर हाइड करके मेरे पास पहुँच सकता है, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई दिक्कत आती है बिजनेस स्टार्ट वगैरह करने में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ आपको डेली के डेली मैसेज मिल जाएगा। फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस खाली मैसेज कर दो, आपका काम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।